पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जमा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे, तो संक्षिप्त में बोले अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है, ताज्जुब की बात है, संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा, आप सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है, कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया, अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वह इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाईं, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं, इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। No, please. दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। उज्जय रमन सिंह जी 2 मिनट बोल रहे, आप 1 मिनट बोल रहे हैं, हो गया विषय आपका अखिलेश जी आपका विषय हो चुका है, प्लीज। आप जल्दी आप बोलना
गया उनका विषय, उन्होंने पूरा विषय रख दिया उज्जवल निगम जी। हो गया आपका विषय, आपने सारी मांग रख दी। माननीय अध्यक्ष जी, संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए, संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करानी चाहिए और जो लोग अधिकारी दोषी हैं उनको आप कंक्लूड कर दें। ये दिल्ली इसलिए जरूरी है अध्यक्ष महोदय, चुनाव हो गया, चुनाव में बेईमानी की सरकार, जो चुनाव में बेईमानी से सदन का ध्यान झारखंड में वर्तमान में उत्पन्न अत्यंत गंभीर मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, आलू गरीबों का खाना है और यह पौष्टिक संतुलन में बड़ा मदद करता है। पिछले दिनों वेस्ट बंगाल की सरकार ने जो इंटर स्टेट ट्रेड जो होता है अध्यक्ष महोदय, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो खाद्यान्न जाते हैं या अन्य प्रोडक्ट जाते हैं, उस कानून को धत्ता बताते हुए हजारों आलू लदे ट्रक को जो है बॉर्डर पर रोक दिया और उसको जबरन वापस करने का निर्णय इन लोगों ने लिया। अध्यक्ष महोदय, इससे आलू की कीमत, और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि आलू गरीबों का भोजन है और झारखंड में गरीब जो है अत्यधिक आलू के कीमतों से बिल्कुल बहुत परेशान है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि ये जो इंटर स्टेट ट्रेड है, और अगर उत्पादन कम है तो जो प्राइस का जो संतुलन है वो पूरे देश में एक बराबर बना रहे, इसके लिए केंद्र का हस्तक्षेप जरूरी हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि केंद्र हस्तक्षेप करे और आलू का जो ट्रेड है उसको बरकरार रखे। बहुत धन्यवाद। लिस्ट के बाद कर देंगे अभी विवाद। हाँ हाँ था, लेकिन अब व्यवस्था दे दी। लिस्ट के बाद कर, कोई बात नहीं, लिस्ट के बाद कर। हाँ, लिस्ट के बाद दूंगा मौका, वह विषय थोड़ा बहुत विवाद का हो गया, चलो अब देंगे। अभी कुछ एक मिनट, दो तीन लोगों को बुलाने ओके दो तीन के बाद आप नौ एक मिनट संजय उत्तमराव देशमुख के बाद नौ अध्यक्ष महोदय उत्तमराव देशमुख अध्यक्ष महोदय माझा मतदारसंघ यवतमाळ वाशिम जो महाराष्ट्राचा विदर्भ भागामध्ये आहे, या भागामध्ये कापूस आणि सोयाबीन उत्पादनासाठी ओळखला जातो। हे जिल्हे शेती क्षेत्रात महत्त्वाचे योगदान देत असले तरी शेतकऱ्याची स्थिती फार बिकट आहे। यवतमाळ जे आत्महत्याची राजधानी ठरली आहे असे सांगताना मन हेलावून जाते। 2001 पासून ते 2024 पर्यंत साधारणतः यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये 6,000 शेतकऱ्यांची आत्महत्या झाली। वाशिम जिल्ह्यामध्ये साधारणतः 2,000 वर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत। हे केवळ आकडे नाहीत, हे आत्महत्या म्हणजे एका कुटुंबातील उद्ध्वस्त संसार आहेत। अध्यक्ष महोदय, शेतकरी आत्महत्या होण्याचे पहिले मोठे कारण म्हणजे पिकांना योग्य दर न मिळणे। 3 वर्षापूर्वी कापसाला 10,000 रुपये प्रति क्विंटल कापसाला भाव होता, सोयाबीनला 8,000 रुपये क्विंटल भाव होता, परंतु आज 7,000 रुपयांनी कापूस कोणी घ्यायला तयार नाही, सोयाबीनला सुद्धा 4,000 रुपयांनी कोणी घ्यायला तयार नाही, अशी शेतकऱ्याची अवस्था या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे। शेतकऱ्यांवर कर्ज वाढत आहे आणि त्यांच्यावर आर्थिक ताण या ठिकाणी वाढत आहे। अध्यक्ष महोदय, Manohar Keshri is joining us for more details on this story. Manohar, Akhilesh Yadav raising the issue of Sambhal in Lok Sabha. Take us through what he said. अगर संभल मामले को देखें तो 25 नवंबर से विंटर सेशन की शुरुआत हुई थी और लगातार लोकसभा और राज्यसभा एडजॉर्न हो रहा था, लेकिन आज
जब कल ऑल पार्टी मीटिंग के बाद ये फैसला हुआ तो आज बोलने का मौका मिला और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने सवाल खड़े किए। अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव को 2 मिनट का वक्त मिला था और हंगामे के साथ साथ उन्होंने सफल के मामले को रखा और उन्होंने कहा कि अगर पहला सर्वे हो गया था तो दूसरा सर्वे की जरूरत ही क्या थी और सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि ये तानाशाह सरकार हो गई है, वो यूपी की सरकार में तानाशाही का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बायपोल का जब चुनाव हुआ था बायपोल के चुनाव में जिस तरह से धांधली हुई है उसे दबाने के लिए इस मामले को लाया गया और साथ ही साथ उन्होंने आदमी से कहा कि ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है और जिसकी जो है तो वहां की जनता पीट रही है। मनोहर शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। A court in Uttar Pradesh has accepted the petition against Shamsi Shahi Mosque in the Badayu district. Vivek Rinder, the petitioner's advocate, said the petition was filed before the UP court in 2022 and added the court has accepted that the plea is maintainable. The petitioner has argued for permission to worship in the Nilkan temple and claimed that he has presented solid evidence in court. So these are the latest updates coming in from Uttar Pradesh. In fact, news now from Badayu, where a court has accepted the petition against the Shamsi Shahi Mosque in the Badayu district. Well, the petitioner's advocate had said the petition was filed before the UP court in 2022 and added the court said that the plea is maintainable. Abhishek Singh is joining us for more on this story. Abhishek, give us more details about this petition regarding a Badayu mosque. Yes, the petition is filed in Badayu for the survey of the mosque and the lower court has accepted the petition. Although there are many petitions like this have been filed in different courts in UP, like in Sambhal also, the whole violence there started, the violence broke up because of this. And while the survey is constituted the second time when the survey was going on, the whole incident took place. And now in Badayu, the petition was filed for the mosque survey. The court will decide what, after accepting the petition, in the next hearing that whether they are going to hear the whole petition and what is the inside things in the petition and what evidences they are putting in the petitions for doing the survey in front of the court. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.